हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ अपनी बच्ची की फर्स्ट से लेके थर्ड टीके तक की जर्नी शेयर करने वाली हूँ। तो जब भी हम उसे टीका लगवाने जाते हैं, उससे पहले हम उसे नहलाते हैं। उस दिन नहलाकर लेकर जाते हैं वो, इसलिए क्योंकि जब टीका लगता है तो बच्चे को फीवर आता है, तो उसके बाद हम 1 से 2 दिन 3 दिन नहीं नहला पाएंगे, इसलिए हम उसे नहलाकर लेकर जाते हैं, जिससे कि 2-3 दिन नहीं भी नहलाएंगे तो चल जाएगा। तो इस तरीके से हम बच्चे को लेकर जाते हैं। तो आप अभी देख रहे हैं कि मेरे बच्चे की मालिश हो रही है, उसकी नानी उसकी मालिश कर रही है और हम उसके सामने ये टॉय रखते हैं। उसे ये टॉय बिल्ली वाला बहुत ज़्यादा पसंद आता है, उसके पापा लेकर आए थे, उसे बहुत पसंद आता है। हम उसके सामने बहुत सारा टॉय रखते हैं बट वो किसी भी टॉय को उतना पसंद नहीं करती जितना कि इस टॉय को पसंद करती है। तो जब भी वो हमारी बच्ची रोती है तो हम उसके सामने यही टॉय रख देते हैं, वो शांत हो जाती है। बट उसके मामू को ये टॉय बिल्कुल नहीं पसंद है, बहुत इरिटेशन होती है उनको क्योंकि इसका साउंड बहुत ज़्यादा तेज़ है और उसकी वजह से टीवी और मोबाइल देखने में दिक्कत होती है। बट मेरी बच्ची को ये टॉय बहुत ज़्यादा पसंद है तो हम हमेशा यही टॉय का यूज़ करते हैं। सो गाइस, जब भी मैं टीका लगवाने जाती हूँ तो अपनी बच्ची को ज़रूर बताती हूँ कि बेटा हम टीका लगवाने जा रहे हैं। आप देख सकते हो ये मेरी बच्ची 1.5 महीने की है और हम उसे फर्स्ट टीका लगवाने जा रहे हैं आंगनवाड़ी में। तो बच्चों को बताना बहुत ज़रूरी होता है कि आप कहाँ जा रहे हो, उनके साथ क्या करने वाले हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे समझते हैं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं और उनके साथ क्या हो रहा है, और वो उसका साथ भी देते हैं अगर आप उन्हें बताकर काम करते हैं। तो मैं जब भी हॉस्पिटल भी जाती हूँ या टीका लगवाने जाती हूँ तो अपनी बच्ची को ज़रूर बताती हूँ और वो उसमें हेल्प भी करती है मेरी, मुझे ज़्यादा परेशान भी नहीं होना पड़ता। तो ये मेरी बच्ची जब 2.5 महीने की, तो उसे 2nd टीका लगाया गया और उसे बताकर लगवाया गया, तो उसने हमारा साथ भी दिया, ज़्यादा परेशान भी नहीं किया। और मेरी बच्ची को नानी से बात करना बहुत पसंद है, जैसा कि आप देख सकते हो वो अपनी नानी से बात कर रही है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो नानी से और सबसे बहुत अच्छे से बात करती है। और ये फाइनली मेरी बच्ची 3.5 महीने की हो गई है और हम उसे 3.5 महीने का टीका लगवाने जा रहे हैं। फिर से हमने उसे बताया कि बेटा हम टीका लगवाने जा रहे हैं। तो इससे मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे समझते हैं, तो आपको बताना ज़रूर चाहिए बच्चों को कि आप उनके साथ क्या करने जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो गाइज़, टीके लगवाने बहुत ज़रूरी हैं, तो आप भी अपने बच्चे को 2 टीके लगवाएं, कोई भी टीका मिस ना करें। थैंक यू फॉर